पहले आपके जितने भी चैनल देखने वाले भाई लोग हैं उन सभी को मेरा सत्यन सिंह की तरफ से हर हर महादेव नमस्कार। इस समय एक फिल्म की तैयारी चल रही है जिसमें मेरे साथ काजल अगवानी जी भी हैं, जो 15 अक्टूबर से इलाहाबाद में होगा। उसी के लिए एक विशेष लुक की तैयारी चल रही है जो अभी नजर आ रहा है जी। फिल्म का नाम क्या होगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन होंगे? उसके प्रोड्यूसर हैं दुबे जी जो जौनपुर के ही हैं, राइटर हैं जगदीश सिंह जी, और फिल्म का नाम मिटिया ईमान बाबू के ईमान है। उसमें मेरा कैरेक्टर एक मंत्री के बिगड़े हुए बेटे जो कहते हैं, जो शराबी रहता है लेकिन गरीबों के हेल्प करता रहता है, किस तरह ये एक मोदी और योगी के जो योजना चली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर आधारित फिल्म है। लड़कियों को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है उसमें मैं एक सपोर्टिंग लगा के काम कर रहा हूँ। कह सकते हैं कि जो है समाज को एक संदेश भी देगी मनोरंजन के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, समाज को यह संदेश देगी कि बेटियों को कम न समझा जाए, कि बेटियाँ हैं तो हम हैं। लोगों को लगता है कि अगर बेटे हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं अभी देखता हूँ बेटियों को पैदा होने में सबसे ज़्यादा महिलाएं दुखी रहती हैं। इस फिल्म में ऐसा ही है, लेकिन ये फिल्म एक संदेश देगा कि बेटी भी कुछ अच्छा कर जाती है। जी भैया, अब तक आपकी कौन कौन फिल्में आ चुकी हैं और आने वाली फिल्में कौन कौन सी? मेरी तो अभी गाँव के लाल, तेरी मेरी आशी थी, रासत, मुख्तार, माई के बिरवा, ये सब आ चुकी हैं। जो अभी रिलीज होने वाली फिल्म है एक कुल दो माली, जिसके डायरेक्टर प्रदीप शर्मा जी हैं, राजना जो एक लव स्टोरी है जो जिसको देखने के बाद एक पत्थर दिल आदमी भी रोएगा, इसका रोग, वादा कर ले साजना, ये सब फिल्में अभी रिलीज के लिए तैयार हैं जो जल्द ही आपके बीच आएगी। अभी काजल राघवानी जी की बात करें, उनके साथ जो आप स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं क्या कहना चाहें, उनके कितने आप प्रशंसक हैं और कितना एक्साइटेड हैं क्योंकि बड़ी हीरोइन के साथ आपकी जोड़ी जमने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, आदमी को लगता है ना कि भाई इस हीरोइन को हम देख के अगर फिल्म देखते हैं तो एहसास होता है काश मैं भी इनके साथ कभी भी काम किया हूँ। मेरा ये इच्छा पूर्त हो रहा है जो जगदीश सिंह के द्वारा जो एक ऐसी फिल्म है जो लेडीज वर्सेज कहानी पर आधारित है, तो मज़ा आएगा काम करके उनके साथ, कुछ सीखने को मिलेगा। जी, अपने फैंस और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि एक एक्टर के रूप में आना बहुत बड़ी बात है, और एक्टर एक जो नेचुरल काम किया जाए उसको एक्टर माना जाता है। अभी तो जितने भी संगीत के गायक हैं वही हैं, लेकिन मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जो बिना संगीत के माध्यम से एक्टिंग लाइन में आया हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा, आगे भी रहेगा, ये यही दुआ करता हूँ। भोजपुरी सिनेमा को लेके क्या कहना चाहें, बदलाव की जो पहल हुई है, अब संपूर्ण पारिवारिक फिल्में बनती हैं, घर घर में देखने लायक फिल्में बन रही हैं। भोजपुरी का दुर्दशा बहुत खराब हो गया था बीच में, लेकिन अभी इस साल से एक अभियान चला है कि साफ सुथरी फिल्में बनाया जाए, जिसको लेकर हर एक दर्शकों के दिमाग में बैठ जाए, महिलाएं अगर सिनेमा हॉल में आने लगे तो समझिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री जिंदा हो जाएगा। यही हाल पहले साउथ में हुआ करता था जहाँ सी ग्रेड की फिल्में बनती थी, लेकिन आज की डेट में साउथ सबसे नंबर वन आपका इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ ऐसी फिल्में बन रही है जो हिंदी में नहीं बन रही है। तो वही दौर हमारा भी है, भोजपुरी में बदलाव हो रहा है, तो ऐसा समय आएगा कि हिंदी में भी वैसी फिल्में नहीं बनी जैसे भोजपुरी में बनती है। जी, तो साल में कितनी फिल्में आपकी दर्शकों को देने के लिए प्लान है? मेरी हमेशा से च्वाइस रही है कि मैं साल में दो ही करूँगा, लेकिन ऐसा करूँगा कि लोगों के दिलों दिमाग में रहेगा। ऐसा नहीं कि फिल्में नहीं है, फिल्में बहुत आती हैं, लेकिन कहानी मुझे वैसी चाहिए जिसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, क्योंकि नाचने गाने के अलावा भी एक्टिंग अगर नजर आ जाए तो मज़ा आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद।